कुछ लोग कुछ कंपनियां दुनिया में पैसा कमाती हैं, लेकिन कुछ लोग और कुछ कंपनियां होती हैं दुनिया में जो विश्वास कमाती हैं। उनकी अच्छाइयां और समाज को वापस लौटाने की वो काबिलियत ही होती है कि उन्हें अच्छाइयों को बताना नहीं पड़ता। एक ऐसे उद्योगपति रतन टाटा, जिनका नाम ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में बल्कि आम लोगों की दुनिया में भी जिस इज्जत से लिया जाता है, वो कम ही देखने को मिलता है। रतन टाटा का भारतवासियों को, खासकर वो लोग जो दुपहिया वाहनों में यात्रा करते हैं, उन्हें दुनिया की सबसे सस्ती कार देने का जो सपना था, वो भले ही सिरे नहीं चढ़ पाया था, लेकिन अब एक बार फिर शायद वो सपना पूरा हो सकता है नैनो इलेक्ट्रिक के रूप में। खबर है कि टाटा इस साल यानी 2023 में नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन मार्केट में उतार सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शहरों में ये काफी कामयाब भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है नैनो ईवी में और क्या प्राइस रह सकता है, बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो जरूर कीजिए और दबाइए नोटिफिकेशन बेल भी। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि अगर नैनो ईवी लॉन्च होती है तो क्या वो भी नैनो की तरह अफोर्डेबल होगी, और क्या रहेंगे गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स। तो आपको बता दें, भले ही नैनो भारत की सबसे सस्ती और छोटी गाड़ियों में से एक थी, लेकिन टाटा ने इसकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। हालांकि नैनो में एयरबैग्स नहीं आते थे, और इसी वजह से ग्लोबल एनकैप में नैनो को 0 स्टार रेटिंग भी थी। लेकिन पहली बात कि जहां बहुत से कार मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल कैप में अपनी गाड़ियां 0 रेटिंग्स के डर से भेजते ही नहीं है, वहीं टाटा ने नैनो को भेजा था। और दूसरी बात, 0 रेटिंग के बावजूद भी नैनो की बिल्ड क्वालिटी क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। ये पहला एक्सीडेंट दोस्तों नैनो का मारुति सियाज के साथ का है, जिसमें सियाज का बम्पर डिक्की में डैमेज हुआ है, जबकि नैनो के फ्रंट का डैमेज आप देख ही सकते हैं। दूसरा एक्सीडेंट टाटा नैनो और होंडा सिटी के बीच हुआ था, जिसमें एक होंडा सिटी ने नैनो को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद नैनो आगे जा रही एक और होंडा सिटी से जा टकराई। पीछे से टक्कर मारने वाली होंडा सिटी का हाल आप देख ही सकते हैं, जबकि नैनो का डैमेज बहुत कम था। हैरानी की बात तो यह है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी एसयूवी के साथ भी जब नैनो टकराई तो उसका हश्र भी कुछ यूं हुआ। और हाल ही में नैनो ने 4x4 की सबसे मशहूर गाड़ी महिंद्रा थार को भी अपनी टक्कर से पलटा दिया था। यानी एक बात तो तय है कि अगर नैनो के एयरबैग्स, थोड़े मॉडर्न फीचर्स, हल्के से डिजाइन के साथ रिलॉन्च किया जाए तो ये मार्केट में जरूर छा सकती थी, और शायद अब यही टाटा मोटर्स करने भी जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो 2023 एंड तक टाटा मोटर्स नैनो को इलेक्ट्रिक रूप में रिलॉन्च कर सकता है। नैनो ईवी में 2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो टियागो ईवी का है। एक चार्ज में 280 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। बेस मॉडल में ABS, डुअल एयरबैग्स और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर तो होंगे ही, वहीं हायर वेरिएंट्स में टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर व्यू कैमरा, रिमोट लॉक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। अब बात अगर की जाए प्राइस की, तो टाटा नैनो ईवी का बेस मॉडल 4.5 लाख के आसपास लॉन्च किया जा सकता है, जबकि टॉप एंड वेरिएंट 6.5 लाख तक अवेलेबल हो सकता है। अगर शहर के बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ते फ्यूल प्राइस आदि की बात की जाए तो टाटा नैनो ईवी एक जबरदस्त हिट साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो डेली जॉब के लिए 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। आपको क्या लगता है, टाटा नैनो ईवी हिट होगी या पहले की तरह लोग नैनो को नकार देंगे? इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टाटा नैनो में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।